गुरप्रीत कौर जिहड़े आ पिछले 3-4 महीनियां तो अपने जीवन साथी नाल जिहड़ा बर्गर पिज्जा बना रही है। गलबात दौरान गुरप्रीत कौर ने दस्या कि उसके विआह नूं 1 साल हो चला है ते वो पिछले 3-4 महीनों तो जिहड़ा दुकान दे विच अपने हसबैंड नाल यानी कि अपने जीवन साथी नाल जिहड़ा काम कर रही है। उसने कहा कि शुरुआती दौर दे विच उसनूं बहुत सारियां दिक्कतां दा सामना करना पिया सी क्योंकि जलंधर दे विच कोई भी IT कंपनी नहीं सी ते उसदे जीवन साथी ने उसनूं शहर बदलन दी सलाह दित्ती सी पर घरदिआं ते फैमिली दी सपोर्ट कारण उन्हां ने जिहड़ा अपना बिजनेस शुरू कर दित्ता ते उस तों बाद जिहड़ा गुरप्रीत कौर देर रात तक अपने जीवन साथी नाल उसदे काम दे विच हथ वटाउंदी है। ऑड न्यूज़ इंडिया लई दविंदर सिंह पंडाल दी रिपोर्ट। मैनू एक्चुअल जदों असी वैसे साढ़े ना लव मैरिज है, लव मैरिज तो बाद मैं शुरू तो ही सीगा कि इन्हों कि ना इन्हों का शुरू तो ड्रीम सीगा मतलब जॉब करन दा कि मैं व्याह तो बाद भी जॉब करनी है। मैनू ये होंदा कि जॉब करना ना एक आपां किसी दे अंडर काम करना तो बिजनेस भावें छोटा है वड्डा है उन्हूं अज नहीं कल आपां वधा सकते हैं किसी अच्छे लैवल अच्छे मुकाम ते लैके जा सकते हैं। तो मैनू ये सीगा कि असी दोनों मिल के ही इस चीज़ नूं पहले काफ़ी टाइम असी सोचिया सीगा कि मैं जदों जिहड़ा काम कर रहा मैं अपने नाल लैके आवां तो इस काम दे विच इन्हां नूं अगे लैके आवां। काफ़ी टाइम तो मैनू इस चीज़ का बोध सीगा कि मेरे नाल दूजा तो यह है जिदा लव मैरिज है ऑलमोस्ट मेरा सारा टाइम इत्थे निकल जांदा सीगा तो राती मैंने 12-1 बज जांदा सी घरे जांदे ते सानूं कोई टाइम स्पेंड करन नूं नहीं मिलदा सी। तो मैनू ये सीगा कि मैं उन्हां नूं अपने नाल लै आवां। यार दोस्त रिश्तेदार स्टार्टिंग विच तो तुहानूं पता है हर कोई पहले सोचता कि तुसीं की कर रहे हो मतलब तेनू मतलब भाभी नूं अजे चूड़ा तो लै लैन दिंदा उन्हूं घरे रख मतलब घरे रह लैन दिंदा तू उन्हां नूं इत्थों नाल क्यों लैके आना वा तो रात नूं माहौल थोड़ा ठीक नहीं हुंदा सो ऑलमोस्ट इदां दीआं कोई प्रॉब्लम्स आंदियां कई कहिंदे ने बट एक्चुअल दे विच वाहिगुरू दी मेरे नाल हुण तक माहौल भी वधिया रहा। 2 महीने हो गए उन्हां नूं 3 महीने मेरे नाल इत्थे काम करदे रात में कदम माहौल वालों भी दिक्कत नहीं। हाँ पुलिस वाले जरूर आते हैं कि 11 बजे बंद कर दो बट ऑलमोस्ट फिर भी कोशिश रहती है कि असी 12:15 तक रुके रहीद क्योंकि कस्टमर उस टाइम सब कुछ ज़्यादा होंगे तो ऑलमोस्ट सारा कुछ जो भी होंगे दुकान का रेंट खर्चा वगैरह सारा फिर सूँ रात में जो कस्टमर ज़्यादा आते हैं फिर उदो असं उस टाइम करना होंगे कवर। चैलेंजेस मैं जो हूँ तक हूँ फेस कर रहे जो फेस किए पास लाइफ से पहले वैसे तो मैं 8th class तो ही काम करना स्टार्ट करता सो मैं छोटा सगा तो स्टडी मेरी कॉन्टीन्यू रही मैं नाल ग्रैजुएशन की तो स्टडी मेरी कॉन्टीन्यू रही उस कुछ काफ़ी चीज़ा इदा दईया किसी टाइम तो हाथ पैर में रोटी खाने भी पैसे नहीं इदा सिचुएशन भी फेस की हैं। एक दिन तो इदा कि जदों इतें 1 साल पहले इतने लोकेशन पर आए हैं इस तो पहले 3-4 लोकेशन चेंज हुई हैं इतने जो काम स्टार्ट करना तो मेरी जेब पैसे नहीं मैं अपने फ्रेंड तो पैसे सौदे के उधारे लैके काम स्टार्ट किया इतने दोबारा जदों मतलब 6 साल काम करन दे बाद इदां दी सिचुएशन आ गई सी कम अच्छा सी रिस्पोंस मिलता सी बट जिदा रेंट की शॉप होंदी सी कदे छड्डनी पै जांदी सी कदे कोई सिचुएशन बन जांदी सी। अज तो 2017 दे विच भी मेरा जदों ये काम वधिया चलता पिया सीगा नवीं ओपनिंग कीती सीगी मैं ग्रीन मोलडाउन वाली साइड उत्थे शॉर्ट सर्किट हो गया सी मेरी जान जाते जाते बची सी जिहदे च मेरा हाथ वगैरह भी है सारा जल गया सी बांह वगैरह पूरी तो उस टाइम एक सब नाल मैं एक कहंदे ना कि जान जाती जाती बची कि अखां अगे पूरा हनेरा छा गया जदों करंट लग गया सी एक चीज़ मेरे नाल वो हैपनिंग हुई दैन उस तो बाद फिर इतने जो आए इतने काफ़ी चीज़ें इदा दियाँ फेस करते गए स्टार्टिंग में जिदा हूँ जो असं होंगे ना कि काम करते हैं तो रात का टाइम होंगे कदे पहले मैंने शुरू च फेस करना पाया जो कि पुलिस वाले ने भी थोड़ा जहा कह देना यार छेती बंद कर दो ये वगैरह इदा की प्रॉब्लम ज़्यादा आ जाए। उस तो बाद मुंडिया वालों जिदा कोई कमेंट्स करते हैं आके मैं अगर इन्हों समान लैन भेजदा कि कल तो कई बार हो जाता इदा का माहौल इदा का तो ये चीज़ा होंगे फेस करी दी हैं बट कोई नहीं अगर लाइफ है इनू फेस करा तो अगे वधांगे। ये चीज़ का मैं कहांगा कि मेरी लाइफ तो बहुत वड्डा रोल है वड्डा रोल इदा व्याह तो पहले मैनू इस चीज़ में स्टैंड करन लई मेरे मम्मा पहले मेरे नाल काउंटर ते काम करते रहे आज तो 2 तो 3 साल पहले मम्मा मेरे नाल काम करते रहे हूँ एक्चुअली उन्होंने हार्ट अटैक आया से पिछे जी तो हार्ट प्रॉब्लम करके फिर उन्होंने दुकान पर आना छड़ दिता कुछ इदा की सिचुएशन बनी कि वो ज़्यादा उठ बैठ नहीं सकते पहले उन्होंने सपोर्ट किया सिस्टर्स मेरी का भी बहुत ज़्यादा साथ रहा और विआह तो बाद वाइफ ने मेरा इन्ना सपोर्ट किया कि मेरे नाल बिल्कुल जिदा मैं ना हुआ तो मेरे पिछों कस्टमर कोई खाली नहीं मुड़ता अगर कोई काम पै जाता तो एक्चुअली जिदा कि तुसी बाकी वीडियोज़ से देखा ही होएगा मैं जयपुर तो हाँ तो मैं IT कंपनी के जॉब करती सी 3 साल मैं IT के जॉब की है तो जो इतने आई विआह तो बाद मैं देखा जलंधर IT कंपनीज नहीं है सो
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋਬ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ, ਮਿਲ ਕੇ ਇਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟਨਰਸ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਡੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 12-1 ਸਾਨੂੰ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਡੇ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੈਲੇਂਜਿੰਗ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਕਵਰਡ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਉਨੀ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਚੂੜਾ ਪਾਈ ਬਾਂਹ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਚੂੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਸਟੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤਾਂ ਮਾਇੰਡ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਹ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ, ਆਈ ਟੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ 1-2 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ 2nd ਜਾਂ 3rd ਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਇੰਡ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਬਸ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਇੰਡ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਚੈਲੇਂਜਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਟ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਸੇਮ ਗੱਲਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਭਾਅ ਜੀ ਚੂੜਾ ਤਾਂ ਲਵਾ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟੀ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਅਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਾਤਾ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਾਇੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਂ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਟੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਮੁੰਬਈ, ਪੁਣੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।